तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। नमस्कार, मैं हूं सोनिका और आप देख रहे हो तत्काल न्यूज लाइव। अभी हम आए हैं गांधी बाग के नंगा पुतला स्क्वायर पे, जहां पे आप देख सकते हो आजू बाजू का पूरा परिसर सील किया गया है। सुनने में आया है कि चौरस से अपार्टमेंट, जैसे कि आप देख सकते हो वहाँ पे कोरोना पेशेंट्स 8 निकले हैं, उस वजह से इस एरिया को सील किया गया है। दिन ब दिन कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते हुए देखते हुए प्रशासन ने अलग अलग एरिया में अलग अलग सख्तियाँ बरती है, रात का लॉकडाउन लगाया है, यही सोचकर कि जो संक्रमण बढ़ रहा है वो कम हो। लेकिन आप देख सकते हैं कि रास्तों पर भीड़ कम नहीं हो रही है, आम जनता मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका बस यही कहना है कि लॉकडाउन उनके जो प्रश्नों का हल नहीं है। लॉकडाउन करने के बावजूद उनके व्यापारों के ऊपर बुरा असर हो रहा है। सुनने में आया है कि इस परिसर में 8 से 9 पेशेंट निकले हैं जो कोरोना संक्रमित है। अभी हम NMC के कुछ अधिकारियों से बात करेंगे कि और इन्फॉर्मेशन जानना चाहेंगे इनके बारे में। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुना सिक्कलवार है। हाँ। मैं NMC में ड्राइवर हूँ। हाँ। ये एरिया क्यों सील किया गया है? यहाँ पर 9 पेशेंट निकले हैं इनके तरफ में। कौन सा बिल्डिंग है ये? व्हाइट वाली बिल्डिंग पे। अच्छा, तो उनको ले जाया गया है या फिर वो अभी भी उनको घर पे ही क्वारंटाइन कर गया है? उनको अच्छा, तो आपको ये एरिया सील करने की परमिशन मिली है। ऐसे आप दिन में कितने एरिया है जो सील करते हो? जैसा जैसा हमको ऑर्डर आया, 1, 2, 3 वैसे। आज कितने एरिया सील किया आपने? अभी तो एक ही करे हैं। अच्छा, इसके पहले और करे हैं हमने। आप ये मतलब ये जो वर्क आप करते हो इसमें आपको किसी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? और आप खासकर क्या प्रिकॉशन लेते हो क्योंकि आप अलग अलग एरिया में जाते हो? नहीं, हमारे जोन नंबर 6 है गांधीबाग, हम यही एरिया में करते हैं। आपका एरिया गांधीबाग है? गांधीबाग जोन नंबर 6। आप क्या क्या प्रिकॉशंस लेते हो? ये टीम ठोकते हैं, बैरिकेटिंग करते हैं, पब्लिक बोलता है इधर से नहीं करो, उधर से करो, आगे से करो, तो फिर उनसे वो करना पड़ता है। कितने दिन तक एरिया सील रहेगा ये? 14 दिन तक। उसके बाद फिर सील ओपन होगा, ओपन हो जाएगा। जैसे आपने अभी बताया क्या आईचित मंदिर का एरिया भी सील किया गया है, आईचित मंदिर का, डट्टी जी के घर के आसपास का भी एरिया सील किया गया है, तो वहाँ पर भी पेशेंट्स निकले हैं? वहाँ पर भी पेशेंट निकले हैं। कितने पेशेंट हैं वहाँ पर? अब इसके बारे में तो पाटिल साहब ही बता सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ आपका काम सिर्फ एरिया सील करने का? सिर्फ एरिया सील करने का। तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।